अच्छा सॉरी बेटा, एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक्चुअली आज मैं फोन में ले रही हूँ, तो इस वजह से रुको, मैं करती हूँ स्क्रीन शेयर। हुई है स्क्रीन शेयर? यस मैम, और मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आवाज आ रही है? ठीक है। अब बेसिकली आज हम लोगों ने पढ़ना है पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इक्वालिटी। ठीक है, इसमें अब हम देखेंगे। सबसे पहले तो आवाज आ रही है मेरी, क्लियरली आ रही है या नहीं? क्लियर है या नहीं है? मैम क्लियर है। चलो ठीक है, ठीक है। आज बेसिकली हम लोगों ने पढ़ना है पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इक्वालिटी। ठीक है, ये छोटा सा एक लेक्चर है। ठीक है, ठीक है। अब बेसिकली देखो, अब इसमें बेसिकली सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है। ठीक है, अब देखो व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉन्फिडेंशियलिटी का, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया है? यस है ना। अभी देखो मैम, इसमें ये होता इसमें है कि बेसिकली पेशेंट की अगर कोई ऐसी डिजीज है जो किसी को बताना नहीं चाह रहा, तो उसको हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी देखो बेसिकली अब हम लोग यही पढ़ेंगे कि अगर पेशेंट नहीं चाह रहा कि आप किसी को उसकी इन्फॉर्मेशन बताएं, तो आपने नहीं बतानी किसी को पेशेंट की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब बेसिकली दो चीजें आती हैं, एक है प्राइवेसी और एक है डिग्निटी। ठीक है, प्राइवेसी का मतलब ये है कि आपने बेसिकली जो वो मतलब जो एक पर्सन फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ड्रग अब्यूज कर रहा है, या वो पेशेंट, ये नहीं, ऑब्वियसली कोई इंसान भी ये नहीं चाहता कि उसकी इज्जत या उसकी प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब हो। ठीक है, प्राइवेसी देखो, अगर एक पेशेंट ये चाह रहा है कि उसकी उसके डायग्नोसिस में या उसके सिम्टम्स में किसी को ना बताया जाए, या ये कि कोई और किसी और इंडिविजुअल की दखल अंदाजी ना हो, तो आपने बेसिकली पेशेंट की प्राइवेसी का ख्याल रखना है। ठीक है, कि ये कि अगर पेशेंट जितनी मतलब अगर पेशेंट ये चाह रहा है कि आप किसी को ना बताएं, तो आप ना बताएं वो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्राइवेसी। जैसा कि हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं प्राइवेसी को, कि हर इंसान को अपनी प्राइवेसी बहुत, वैसे भी बहुत अजीज होती है। वो नहीं चाहता कि हर एक को मेरी हर बात पता लगे। ठीक है, अब सेकेंड चीज है डिग्निटी। डिग्निटी बेसिकली ये होती है कि हर इंसान का ये दिल करता है कि उसको रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, कि आप ये देखो कि असल में डिग्निटी ये होती है कि हर इंसान की वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जाए। ठीक है, डिग्निटी हर इंसान को ये चाहिए होता है। ये अब ये बेसिकली डिग्निटी देखो, हर इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है। ये नहीं कि हम ये कहें बच्चा छोटा है इसकी तो कोई डिग्निटी नहीं है, या ये इस एथनिक रेस का इसकी नहीं है, या इसका ये सोशल या कल्चरल बैकग्राउंड है इसकी डिग्निटी नहीं है। ऐसा नहीं करना आपने। ठीक है, डिग्निटी का मतलब है कि हर इंसान इस काबिल होता है कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए, उसकी वैल्यूज की रिस्पेक्ट की जाए, उसके बिलीव्स की रिस्पेक्ट की जाए, और उसके पर्सनल रिलेशनशिप्स की। ठीक है, अब हमने देखते हैं कि बेसिकली कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, डिग्निटी और प्राइवेसी में डिफरेंस पता लग गया बच्चों? बेटा यस डिग्निटी मैम, और प्राइवेसी, मैम रिपीट कर दें डिग्निटी को। डिग्निटी बेटा बेसिकली ये होता है कि जिस तरह हम नहीं कहते कि इसका ये मतलब होता है कि हर इंसान जो है उसकी उसकी वैल्यूज, उसके बिलीव्स, उसके पर्सनल रिलेशनशिप्स, हमें हर इंसान की इन चीजों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर इंसान इस काबिल होता है कि उसके जो वैल्यूज हैं, उसके जो बिलीव्स हैं, या उसके जो रिलेशनशिप्स हैं, हम उसकी ओवरऑल रिस्पेक्ट करें, उसके व्यूज की रिस्पेक्ट करें, उसके जो भी बिलीव्स हैं उसकी रिस्पेक्ट करें, उसके ऊपर कुछ थोपे ना जो वो सोचता है, या जो उसके बिलीव्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, डिग्निटी बेसिकली रिस्पेक्ट से रिलेटेड है, और प्राइवेसी जो है वो प्राइवेसी इस चीज से रिलेटेड है कि दखल अंदाजी ना हो किसी चीज में।
कि जिस तरह हर इंसान, आप देखो वैसे भी कहते हैं कि हर इंसान को अपनी प्राइवेसी बहुत अजीज होती है, कि मतलब हर इंसान की एक प्राइवेसी का वो होता है क्राइटेरिया, वो नहीं चाहता कि मेरी हर बात, या पेशेंट है वो नहीं चाहेगा कि मेरी हर बीमारी हर बंदे को पता लगे. ठीक है, ठीक है, आप समझ आ गई है डिग्निटी और प्राइवेसी में डिफरेंस? यस मैम. सो मैम, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी आर द सेम थिंग्स? यस, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी बेसिकली दे आर ऑलमोस्ट सेम थिंग्स. यस, बट प्राइवेसी एंड डिग्निटी ये दोनों आएंगे कॉन्फिडेंशियलिटी में, कि आप उसकी चीजों को प्राइवेट भी रखो और उसके व्यूज वगैरह की रिस्पेक्ट भी करो. ओके, कॉन्फिडेंशियलिटी इज ब्रॉडर टर्म. सिचुएशन जिसके अंदर अगर हम लोग प्राइवेसी रखते हैं, इट्स लाइक डेंजरस. फॉर एग्जांपल, आपको पता है कुछ अर्से पहले जब कोविड पैनडामिक बहुत बढ़ रहा था, हर बंदा डर रहा था बताने के लिए कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ. जो बंदा कोविड पॉजिटिव कंसिडर, अभी तो नॉर्मलाइज हो गया, कोविड पॉजिटिव कंसिडर होता था मतलब उस बंदे से आपको पता है खानदान वाला रिश्ता तोड़ लेते, ऐसे बुरे हालात हो गए थे. तो मैम इस तरह की सिचुएशन में जबकि अगर हेल्थ केयर वर्कर्स को रिपोर्ट ना किया जाए ऐसी सिचुएशन, तो आपको पता है जनरलिटी नहीं होगी कि भाई कितने केसेस हुए हैं, रिपोर्ट हुए हैं, किस एरिया में ज्यादा है. तो मैम ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में बेसिकली बेटा कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी की कुछ ऐसे कंडीशंस बताई हुई है जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक करना जरूरी होता है. फॉर एग्जांपल, जिस तरह ये कंटेजियस डिजीजेज हैं, देखो अगर कोई मतलब अगर एक बंदा जो है, फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों को पता है कि कोरोना में अगर कोई लैब में रिपोर्ट करता था कि मैं पॉजिटिव हूँ, तो वो फौरन उसको फौरन उसका लिख लेते थे रिकॉर्ड कि ये बंदा पॉजिटिव है. और ये कि अक्सर तो ये होता था कि उसके सामने गार्ड वाले वगैरह खड़े हो जाते थे उस घर के सामने कि मतलब यहाँ पे नहीं जाना. ऐसे सिचुएशन में ये है कि ऐसे सिचुएशन में जो डिजीजेस कंटेजियस हैं तो बताना जरूरी है, आइडियली तो बताना, क्योंकि इससे बाकी लोग जो है ताकि बाकी लोग अफेक्ट ना हो. देखो अक्सर लोग ऐसे भी हैं कि जो अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो उसको चाहिए कि वो रिपोर्ट करे ताकि उसको फिर क्वारंटीन करें. ये ना हो कि वो जी कोविड पॉजिटिव है फिर भी वो जॉब या कहीं वर्क प्लेस वगैरह पे जाएगा तो उसके साथ वाले एक बंदे की वजह से बहुत सारे लोग अफेक्ट हो सकते हैं. तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक करना बहुत जरूरी होती है. जिस तरह ये कंटेजियस डिजीजेज हैं, इसमें आप ये देखो कि अगर किसी कोई भी केस पॉजिटिव होता था या अभी भी होता है तो वो फिर फौरन रिपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को. मैम वैसे भी तो क्लिनिकल स्टाफ जो है वो उसकी सिर्फ और सिर्फ स्टैट्स ही देता है ना, हम थोड़ा इश्तिहार देते हैं कि फलां पॉजिटिव है फलां नेगेटिव है, हम लोग तो सिर्फ स्टैट्स देते हैं. बिल्कुल, लिहाज से तो कॉन्फिडेंशियल ही होता है ना. ये तो नहीं ना बताते कि जी ये बंदा फलां घर के अंदर, वो ये करते हैं कि हाँ उस एरिया में स्मार्ट लॉकडाउन लगा देंगे, ये ज्यादा से ज्यादा करेंगे. तो बेसिकली ये कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिनमें कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक करना बहुत जरूरी हो जाता है. जिस तरह अगर कोई बायपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है तो उसमें उसके रिलेटिव्स को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें अगर वो एक बंदा मेंटली स्टेबल नहीं है तो उसमें उसके फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, मतलब इमीडिएट लाइक पेरेंट्स हो गया, स्पाउस हो गया. तो ये कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनमें कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक करना जरूरी हो जाता है ताकि साथ वाले लोग प्रोटेक्टेड रहें. या जिस तरह कोई एड्स का पेशेंट है तो उसकी स्पाउस को बताना बहुत जरूरी है कि ये एड्स अफेक्टेड है, क्योंकि आपको पता है कि वो ट्रांसमिट हो जाती हैं डिजीजेस. ठीक है, ठीक है, समझ आ गई है ये बात बेटे जिसने भी पूछा था क्वेश्चन? सॉरी मुझे अपना नाम भी बता दिया करूँ. ठीक है, अब बेसिक, अच्छा शायस्ता, ठीक है. अब कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल क्या होता है कि यही कि एक तो आप प्राइवेसी, अगले बंदे की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें, और ये कि डिग्निटी भी, कि उसकी विश, उसकी क्या विश है और वो क्या चाहता है इस चीज की भी आप रिस्पेक्ट करें. ठीक है, अब इसमें यह है कि अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि आप मेरी इंफॉर्मेशन ना किसी से शेयर करें, या ये है कि आपको लगता है कि इसको कोई ऐसी डिजीज है कि मतलब वो पेशेंट ये चाह रहा है कि आप ना शेयर करें, तो फिर आपने उसकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है. ठीक है, वो जरूरी है. अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट हेल्थ कंडीशन भी आ सकती है, आप इन चीजों के कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, हेल्थ कंडीशन को, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को, पर्सनल हिस्ट्री को और सोशल सर्कमस्टांसेस को. ठीक है, मतलब आप जरूरी नहीं है कि आप कोई अगर गरीब बंदा आ गया तो आप पूरे वार्ड में शोर मचाना शुरू कर दें कि पेशेंट गरीब है इस तरह. ये मतलब ये कि आपने बेसिकली हर इंसान की प्राइवेसी और हर इंसान की डिग्निटी, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, एज लिमिट जो भी हो उसकी, जो भी उसकी एथनिसिटी हो, जो भी सोशल बैकग्राउंड है, आपने इन चीजों का ख्याल रखना है. ठीक है, अब चलो मैं आगे आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ दोबारा से. एक्चुअली ये ना फोन पे मुझे समझ नहीं आ रही कि पूरा कैसे लेक्चर शेयर करना है, पीडीएफ नहीं हो रहा, तो दोबारा से. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई, अब आगे चलें? यस मैम. मैम अब इसको स्लाइड कर लें.
चलो फिकर ना करो, तुम लोगों का नजर आ जाएगा अभी। नहीं ना वो नहीं हो सकती ना स्लाइड, रुको आपको एक और दिखा। ये वैसे छोटा ही लेक्चर है, इसकी ऑलमोस्ट 10 स्लाइड्स ही है। रुको मिस, कोई दोबारा चांसेस हैं लॉकडाउन के? मैम प्लीज लगा दें आप। अल्लाह माफ करे प्लीज, अल्लाह करे लग जाए। मिस हम बहुत तंग आ गए हैं ऑन कैंपस, हम आ रहे हैं, हमारा यकीन करें खून निकल रहा है। इस पोर्शन के कितने लेक्चर्स रह गए मैम? जी बेटा सॉरी क्या कह रही हो? इस कोर्स के कितने लेक्चर्स रह गए मैम? उसके बेटा ये फिफ्थ है ना, फाइव और रह गए, 10 है टोटल। ओके मैम थैंक यू, वेलकम। अच्छा अब ये देखो, अभी देखो कि अभी कुछ एग्जांपल्स इन्होंने बताई हुई है कि बैड प्रैक्टिस की, कि जो लोग कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक करते हैं। एक तो ये कि आप ये देखो कि अगर कोई ये कह रहा है कि जिस तरह अगर एक केयरर है, ठीक है, अब हाँ फॉर एग्जांपल देखो अगर किसी बेड पे कोई पेशेंट नहीं, 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 नहीं Okay, आप बेटा अब आपको या मुझे नहीं हो रही बता। अच्छा अब हो रही है, अब हो रही है शेयर? यस मैम हो रही है, अभी भी हो रही है मैम। नजर आ रहे टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ बैड प्रैक्टिस वाली साइड? नो मैम आ रहा है सेंसिटिव प्रैक्टिस ऑफ रिजर्व। यस मैम हो रहा है, आ रही है टिपिकल एग्जांपल वाली, आ रही है टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ बैड प्रैक्टिस आ रही है? यस मैम। नो मैम। अच्छा रुको एक सेकंड में दोबारा से आती है जाती है, आती है जाती है। अब देखो अब आ गई होगी। यस मैम आप आ रही है। हाँ अब ये देखो बेसिकली अब इन्होंने कुछ एग्जांपल्स बताई हैं कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है, ठीक है, उसके साथ एक नर्स है या कोई भी केयरर है, ठीक है। अब ये हुआ कि उस पेशेंट का उसको कोई यूरिनरी ट्रैक का या कोई भी ऐसी बीमारी है कि उसका फॉर एग्जांपल अगर उसका बेड वेट हो गया दोबारा से, तो अब जो साथ नर्स खड़ी है या कोई भी केयर टेकर खड़ा हुआ है, वो ये करता है कि वो दूसरी नर्स को जाके बताती है कि देखो इसका दोबारा से बेड जो है वो गीला हो गया, और वो पेशेंट सुन रहा हो, सोचो फिर उस पर कितना बैड इम्पैक्ट होगा। ये एक एग्जाम्पल बताइए बैड प्रैक्टिस की, कि मतलब देखो अब ये उस पेशेंट की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कितना उसको हर्ट करेगी कि उसके सामने ये बात की जाए कि देखो इसका बेड दोबारा से हो गया, वेट हो गया, ठीक है। अब उसके अलावा यही है कि आप ये देखो कि इसके अलावा ये कि अगर एक पेशेंट जो है वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, घर से बस पे ट्रेवल कर रहा है, और उसके साथ उसके दो दो केयरर्स हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब वो ये करें कि वो आपस में उसके बारे में बातें करें कि देखो ये इसको तो ये बीमारी है इस तरह करके, और वो पेशेंट सुन ले। अब आप खुद अपने आप को अगर खुदा ना खासा इन कंडीशंस में रखो तो आप पे क्या इम्पैक्ट होगा? देखो ऑब्वियसली इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है हर इंसान की, यही तो डिग्निटी भी, कि कॉन्फिडेंशियलिटी एक लिहाज से डिग्निटी से भी रिलेटेड है, अगले बंदे की वैल्यूज के बिलीव्स का और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का आपने ख्याल रखना है कि हर बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि अगर कोई भी डॉक्टर है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, और डॉक्टर पेशेंट का कर लेते हैं, और वो किसी पेशेंट के बारे में किसी से फोन पे बात कर रहा है कि देखो इसको तो ये, और वो पेशेंट सुन ले, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे देखो कि एक अगर आप इस तरह की हरकतें करते हो तो पेशेंट मेंटली कितना डिस्टर्ब होता है, एक फिजिकली तो और, लेकिन मेंटली हर इंसान की आपने डिग्निटी का प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं कि मतलब उसका मजाक ना बनाए पेशेंट का या उसकी कंडीशन को इतना वो कर करके ना बताएं, ठीक है। अच्छा अब ये देखो कि अब अगर कोई आपको पेशेंट जो है वो कोई चीज बताता है और कहता है कि भैया मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज आपने किसी को नहीं बतानी, कोई भी अगर पेशेंट है फॉर एग्जांपल कोई ड्रग अब्यूज का ही पेशेंट है वो, तो आपने स्पेशली ख्याल रखना है कि अनलेस ये कि बहुत ज्यादा नेसेसरी हो बताना, जिस तरह अभी हमने कोविड की बात की है या इस तरह की डिजीजेस एड्स हो गई कि जिनमें जो सेक्सुअली या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होगी जिसमें ये हो कि उस पेशेंट से किसी और को खतरा अगर है तो आप बताएं उसके इर्द गिर्द के लोगों को, लेकिन अगर नहीं तो फिर आपने ये करना है कि उसकी इंफॉर्मेशन को आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है, ठीक है। इवन अगर वो पेशेंट कहता है कि ये चीज आपने मेरी फैमिली को नहीं बतानी, या उसने कोई ऐसा काम किया कि वो चाह रहा है कि ना बताएं आप फैमिली को, जो कि जिसके ना बताने से कोई उसकी हेल्थ पे असर नहीं पड़ रहा या जो बताना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, तो फिर आप ना बताएं,
आप उसकी प्राइवेसी जितनी, क्योंकि एक पेशेंट जब एक डॉक्टर से बात करता है तो आपको पता है कि इवन हम भी जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हर चीज बता देते हैं उसको, इस तरह एक पेशेंट भी इवन आता है तो वो आपको इस तरह ही देख रहा होता है जैसे बंदा किसी से आपको उम्मीद होती है तो आप उसको देखते हो, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद है एसेंशियल प्रैक्टिसेस टू प्रिजर्व प्राइवेसी, ठीक है। अभी देखो कि अब हर बंदा जो होता है कि आप, हर बंदे की ना अपनी अपनी सोच होती है, हर बंदे ने अपनी प्राइवेसी की लिमिट्स बनाई होती है। कोई इंसान अपनी प्राइवेसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है किसी के लिए प्राइवेसी। हर एक की ना प्राइवेसी की डेफिनेशन डिफरेंट है, किसी के लिए बहुत ज्यादा प्राइवेसी। अभी देखो जिस तरह अब ये आप थोड़ी सी एहतियात करें कि जब किसी पेशेंट को आप चेक करने लगे हैं या उस पेशेंट को आपने टच करना है, कोई आपने पैल्पेट करना है फॉर एग्जाम्पल, कोई आपने उसकी कुछ भी आपने करना है लाइक जिस तरह अगर आपने, तो आपने सबसे पहले कोई छोटा मोटा आपने आपने कुछ भी हार्ट रेट वगैरह जिस तरह आपने पल्स चेक करनी है तो आप पहले एक दफा फिर भी सेफ साइड के लिए उससे पूछ लें कि मतलब आप, मैं चेक कर लूं। अगर फॉर एग्जांपल कोई फीमेल पेशेंट, अगर मेल है आप और कोई फीमेल पेशेंट आ गया तो पूछ लें एक दफा कि मैं चेक कर लूं ये आपकी, मैंने आपकी पल्स चेक करनी है या इस तरह, ठीक है। तो वो आप पहले पूछ लें बजाय इसके ये कि वो पेशेंट की अपनी प्राइवेसी की उसने वैल्यूज बनाई हो। और आपको पता है कि हर बंदा इस तरह नहीं सोचता, हर एक की अपनी प्राइवेसी की लिमिट होती है और हर एक की अपनी सोच होती है, ठीक है। या ये है कि आप ये देखो कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट रूम में शिफ्ट हुआ हुआ है हॉस्पिटल के और आपने एंटर होना है तो आप ये करो कि उसको नॉक करके पूछो कि मैं आपके रूम में आ जाऊं, इस तरह नॉक करके एंटर हो, ठीक है। क्योंकि आपने बेसिकली यही करना है कि आपने ये कोशिश करनी है कि किसी की प्राइवेसी को आप डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। तुम लोगों का अभी कोई मिड है आज या हो गए? आप लोगों का अभी कोई मिड रहता है आज या नहीं? अब कल है, चलो ठीक है। फिर ये लेक्चर अभी सुन लो, थोड़ा ही है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है? अब मुझे बताओ कि आप में से कौन बताएगा कि बैड प्रैक्टिस की जो हमने अभी एग्जांपल्स पढ़ी थी कि क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए, कोई बताएगा तो हैंड रेज करे। मैम ईद के बाद जो लेक्चर्स हैं वो हमारे ऑन कैंपस में होंगे। किसके बाद? ईद के बाद। हाँ जी। ओके मैम, थैंक यू, वेलकम। वैसे वो ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। एक्चुअली मैं इस वक्त ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ इसलिए नहीं करी कि आप लोगों के अभी मिड्स हो रहे हैं, तो मैं कहती हूँ क्या तुम लोगों को मैं तंग करूँ। समझ आ रही है ना साथ-साथ? यस मैम, ठीक है। अच्छा अब ये देखो कि फॉर एग्जाम्पल अब ये देखो, अब इसमें ये है कि अगर आपने किसी पेशेंट को, अगर उसकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी है, ठीक है, और अब आपने उसका कोई प्रोसीजर वगैरह करना आप चाहते हैं, तो उसके लिए ये है कि जिस तरह हम लोगों ने ये बात की थी कि अगर किसी पेशेंट ने कोई भी चॉइस करनी है अपने उसके अकॉर्डिंगली, मतलब ये कि अपनी अपना कोई ट्रीटमेंट की ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली, तो उसमें ये है कि आप थोड़ी सी पेशेंट की हेल्प करें। इस तरह हेल्प करें कि एक तो ये कि उसको पूरी इंफॉर्मेशन दें, अगर फॉर एग्जाम्पल उसकी कोई सर्जरी रिक्वायर्ड है या कोई कोई इस तरह का प्रोसीजर रिक्वायर्ड है जो कि उसकी बीमारी से रिलेटेड है और उसने आगे से डिसीजन लेना है पेशेंट ने, ठीक है, तो उसमें आप उसकी इस तरह हेल्प कर सकते हो कि आप उसको एक तो इन्फॉर्मेशन, जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है पेशेंट को दें ताकि वो सही फैसला करे। और उसके अलावा ये है कि इस तरह के आप लोग ढूंढे जिनका पहले वो सर्जरी हो चुकी है, जिन्होंने पहले वो प्रोसीजर करा लिया हुआ है, ताकि पेशेंट थोड़ा सा ना इत्मीनान में आ जाए कि ये प्रोसीजर ठीक है, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हो कि इसमें इस तरह की चीज में जिसमें पेशेंट ये कहता हो कि मैंने अपने किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से या इवन किसी दूसरे डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लेनी है, तो उस केस में आप कॉन्फिडेंशियलिटी को आप पेशेंट को अलाउ कर दो। उसमें तो देखो पेशेंट खुद कह रहा है ना कि मैंने इससे पूछना है तो इसको आप बता दें या ये, तो उस सूरत में भी आप कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि वो पेशेंट आपको खुद परमिशन दे रहा है कि आप बेशक मेरे किसी रिलेटिव से पूछ लें या मैं, या इवन पेशेंट अगर ये कहता है कि मैंने किसी और डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लेनी है तो वो फिर मतलब बेशक ले ले। आपने पेशेंट को बस रोकना नहीं है कि नहीं नहीं आप मुझसे ही कराएं, मुझसे ही कराएं, ये नहीं करना इस तरह, ठीक है। अब उसके बाद आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी ये होता है कि बेसिकली आपने ना हर बंदे को, आप लोगों ने बी एस पढ़ ली है, बिहेवियरल साइंसेस पढ़ ली है? Yes. पढ़ी है या नहीं? Yes,
उसमें आप लोगों ने इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट देखा होगा, इक्विटी का. उसमें ये होता है कि बेसिकली हर पेशेंट को ना आपने उसकी नीड्स के अकॉर्डिंगली ट्रीट करना होता है. कि फॉर एग्जांपल अगर देखो आपके ज्यादा पेशेंट्स हैं तो उसमें से जिस जो पेशेंट इमरजेंसी में है या जिसकी कंडीशन ज्यादा सीरियस है आपने सबसे पहले उसको ट्रीट करना है, ठीक है. और ये नहीं करना कि अगर कोई आपके जानने मतलब ये कि अगर कोई ज्यादा अमीर है तो आप उसको ज्यादा फेवर करो. आपने हर पेशेंट को इक्वली ट्रीट करना है और हर पेशेंट को उसकी नीड्स के अकॉर्डिंगली ट्रीट करना होता है. कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो आपने जो जो पेशेंट आपको लगता है ना कि जिसका इलाज सबसे पहले होना चाहिए या जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, सबसे पहले आपने उसका करना है और उसके बाद बाकी पेशेंट्स को करना है, ठीक है. आपने बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना पेशेंट्स के बीच में, उनकी एज या रिलीजन या सेक्स या मैरिटल स्टेटस, रेस, इकोनॉमिकल स्टेटस या डिसेबिलिटी. आपने हर पेशेंट के साथ इक्वली ट्रीट करना हर पेशेंट को, ठीक है. और उसके बाद ठीक है यहाँ तक समझ आ गई है. तो ये तो कॉमन सेंस की बात है. आप लोगों ने ये चीज काफी ज्यादा बीएस में पढ़ी होगी, बिहेवियरल साइंस में पढ़ी होगी कि इक्वालिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं एक अच्छे डॉक्टर के लिए. ये पढ़ा ही होगा ना बीएस में, पढ़ा है? बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस मैम आ रही. अब उसके बाद ये कि आपने जब भी किसी पेशेंट से बात करनी है ना तो उन्हें यही फील होना चाहिए कि आप उनसे रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं. मतलब ये नहीं कि पेशेंट को, जिस तरह अगर पेशेंट का कोई नाम है तो आप उसका नाम लेके उसको बुलाएं. मतलब बेसिकली आपने ना पेशेंट को ये फील कराना है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और ये फील कराना है कि जैसे आप बहुत ज्यादा उसके लिए केयर करते हैं. और असल में करनी भी चाहिए, एम्पैथी शो करनी है पेशेंट के साथ. और ये कि आपने पेशेंट उनके कोई अगर रिलीजियस बिलीव्स हैं या कोई इस तरह वो ये कहते हैं कि हम लोग, तो आपने मतलब कोई भी रिलीजियस, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट मुस्लिम नहीं है तो उसके जो रिलीजियस बिलीव्स हैं या जो चीजें उनकी आपने रिस्पेक्ट करनी है. और हर पेशेंट को ना कंफर्टेबल करना है अपने साथ. मतलब ये नहीं उनसे रूडली बात नहीं करनी, उनसे इस तरह ही बात करनी है, उनके साथ ठीक तरीके से रहना है और उनको यही शो कराना है कि जैसे आप असल में उनका उनकी भलाई ही सोच रहे हैं. और उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी हर चीज की रिस्पेक्ट करनी है, उनके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करनी है, उनके बिलीव्स की रिस्पेक्ट करनी है, हर चीज की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है. ओवरऑल देखो हमने यही तो पढ़ा अभी इस लेक्चर में कि डिग्निटी, कि बेसिकली आपने हर हर इंसान की डिग्निटी होती है, हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है. आपने आपने उन सबकी उनकी वैल्यूज की, बिलीव्स की, हर चीज की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है. यहाँ तक समझ आ गई. अब आगे पढ़े, आगे मेरे ख्याल से थोड़ी स्लाइड रह गई हैं, ठीक है. यहाँ तक वैसे कुछ भी मुश्किल नहीं है. ये लेक्चर आप लोगों का, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, चीजें पढ़ चुके हैं ना? यस मैम. ठीक है, अब हम लोग यूं करते हैं कि अगला शेयर करते हैं, ठीक है. तो अब ये देखो, अब बेसिकली ये अब आखिरी, अब इसके बाद इस स्लाइड के बाद ना मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है. अब ये देखो कि फॉर एग्जांपल आप ये देखो कि 1998 में ह्यूमन राइट्स एक्ट जो है वो इसने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है. कि इसने कहा था कि हर इंसान जो है उसके पास, यूके में बेसिकली ये प्रपोज हुआ था और इस एक्ट में लिखा था कि हर इंसान के कुछ राइट्स हैं, कुछ फ्रीडम्स हैं. वो क्या क्या है कि हर इंसान के पास, ये इसमें बेसिकली ये है कि आपने किसी को भी ये नहीं, उसमें ये होता है कि हर इंसान के पास अपना फैसला करने के लिए, मतलब हर इंसान का ये राइट है कि वो खुद अपने लिए डिसीजन ले. और ये कि हर इंसान को फ्रीडम ऑफ थॉट उसको मिलनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलना चाहिए. और ये कि हर इंसान की ओवरऑल ह्यूमन राइट्स ने किया था. और ये कि हर इंसान जो है वो उसको वो फ्री होना चाहिए, मतलब हर इंसान जो है उसके पास ये राइट होनी चाहिए कि वो अपनी एजुकेशन के बारे में क्या फैसला करता है, अपनी मैरिज के बारे में क्या फैसला करता है. और हर मतलब बेसिकली हर इंसान के कुछ हक होते हैं जो कि हर इंसान को मिलने चाहिए, कि जो भी वो अपनी जिंदगी में डिसीजंस करना चाहता है कोई उसके ऊपर थोपे ना. और वो सिर्फ ये है कि वो अपने लिए जो उसको अपने लिए बेहतर चीज लगती है वो वही चीज ही करे, चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो उसकी एजुकेशन से रिलेटेड हो. या हर इंसान बेसिकली फ्री है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले, ठीक है. ये इसलिए ये ओवरऑल यही बात है कि अब बेसिकली इस पूरे लेक्चर में हमने यही चीज ही पढ़ी है कि हर इंसान जो है उसको आपने उसके लिए उसकी प्राइवेसी, उसकी डिग्निटी,
उसके हर इंसान को इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी ये चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये ओवरऑल भी आप पेशेंट नहीं हर इंसान के लिए एक इंडिविजुअल के लिए चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है समझ आइए. आप मुझे बताओ कि कौन बच्चा थोड़ा सा ये लेक्चर रिपीट करेगा. मुझे हैंड रेज करो या कोई भी कर दे रैंडमली अगली क्लास में. आप लोगों के जब तक मिड्स हो रहे हैं ना तब तक मैं आप लोगों से इतना लेक्चर के बीच में क्वेश्चंस नहीं करूंगी लेकिन इंशाल्लाह मिड्स के बाद करूंगी. ठीक है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लेक्चर सुनो ही ना. कौन बच्चा थोड़ा सा रिपीट करेगा इस लेक्चर को अपना नाम बताएं और फिर. मैम मैंने जब से ज्वाइन किया तब से बता सकता हूं आपको. चलो फिर पहले यू करते हैं पहले सलीम से पूछ लेते हैं जो हमें स्टार्ट से बता दे आपने कब से ज्वाइन किया. मैम इक्वालिटी मैम मैंने पहले से किया. चलो ठीक है आप सलीम बेटा आप चलो आप इक्वालिटी के बाद आप बताना पहले सलीम को बताने दो. बताओ बेटे आपने बताया कि हर पेशेंट जो उसका राइट है कि उसकी जो जब भी कोई इनोवेशन करो या प्रोसीजर करो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों ने मतलब किसी से शेयर नहीं करनी है. अगर मतलब बहुत ज्यादा जरूरी हो भी अगर उसको वायरल डिजीज है जिसका मतलब जैसे कोविड है दूसरों को खतरा हो तो वो आप शेयर कर सकते हो मतलब आपके सराउंडिंग. जी मैम मैम मैंने यहाँ से किया था मैं बाहर गया था तो लेट हो गया. अच्छा कोई बात नहीं. चलो आप कोई और बच्चा बताए. वेरी गुड सलीम नाम था ना बेटे आपका. जी मैम मैम इक्वालिटी से पहले आप मैम इक्वालिटी में ये है कि आपने जो है वो देखना है मतलब पेशेंट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी उसके जो है मतलब उसका उसके मजहब को लेके उसकी जो मतलब रेस को लेके जो है या उसका जो है वो गरीब है या अमीर है या फिर उसको ये देखना के मतलब इस तरह के डिफरेंस इसके बजाय इक्वालिटी देखनी है हर किसी को एक जगह पे रखना है और फिर उसके बाद रिस्पेक्ट में जो है इंडिविजुअल की वो ये आ जाता है कि आपने जो है उससे कोई चीज पूछ के करनी है उसकी रिस्पेक्ट करनी है ये नहीं कि उससे आप एकदम से कुछ भी अपनी मर्जी से पूछना शुरू करते हैं उसकी इजाजत लें और इसी तरह की चीजें और ह्यूमन राइट्स में वो आ जाती हैं कि जो उसको जो एक पर्सन है जो उसकी फ्रीडम है. हाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको फ्रीडम अपनी एजुकेशन है कि वो मतलब वो जो बताना चाहे और उसका जो राइट्स है मतलब एजुकेशन हो गया और इसके अलावा ठीक है. चलो बेटा ठीक है बस ठीक है. अच्छा ठीक है अब आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई है ना. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे ठीक है. और नेक्स्ट टाइम चलो थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा मैं पूछ लूंगी कि क्या पढ़ा इस लेक्चर में. 10 तो स्लाइड्स हैं आप लोगों को 5-10 मिनट्स ही लगेंगे बस गो थ्रू करने में. ठीक है बेटे. ओके मैम. ओके मैम. चलो चलो ठीक है बेटा. ओके ओके थैंक यू. ओके अल्लाह हाफिज़. ओके मैम अल्लाह हाफिज़. बाय बाय टाटा अल्लाह हाफिज़ मैम. थैंक यू सो मच. बस ठीक है हर बस बस